नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क दुर्घटना में एक बालक सहित मक्खनपुर नगर पंचायत ईओ की हुई मौत। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर आयोजित मीटिंग में भाग लेने जा रहे ईओ की कार साइकिल से सड़क पार कर रहे एक बालक से जा टकराई। हादसे में दोनों की जान चली गई। कार साइकिल से टकराने के बाद पोल से जा टकराई। इस हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मक्खनपुर नगर पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई है। जी हां, मामला फिरोजाबाद के मक्खनपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अमर बहादुर शनिवार दोपहर को अपनी कार द्वारा जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तभी वह मक्खनपुर के बिल्टीगढ़ के पास पहुंचे ही थे, जहां साइकिल पर सवार होकर आया 15 वर्षीय अंकित राठौर सड़क पार करने के लिए साइकिल से जा रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही ईओ की कार साइकिल से टकराने के बाद पोल से टकरा गई। इस भीषण हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ईओ की मौत की खबर सुनकर नगर पंचायत में शोक की लहर छा गई है। वहीं मृत बालक के परिवारजन भी मौके पर पहुंच गए। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इंस्पेक्टर मक्खनपुर का कहना है कि साइकिल सवार बालक को बचाने के चक्कर में ईओ की कार साइकिल से टकराने के बाद पोल से टकराई। हादसे में बालक और ईओ दोनों की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह यादव है। अच्छा, क्या हुआ था, क्या करते हैं? एक्चुअली मीटिंग थी ना, एक मीटिंग में जा रहे थे, ड्राइविंग सम मीटिंग थी ना जिले पे। तो उस मीटिंग के मीटिंग पहुंचने से पहले बिल्टीगढ़ चौराहा जो बाईपास है उससे करीब 500 मीटर पहले एक्सीडेंट हुआ। एक कोई लड़का जा रहा था अपनी भैंस खोलने, उसको बचाने के चक्कर में और गाड़ी पोल से टकरा गई, जिसमें हमारे यू साहब अमर बहादुर सिंह का एक्सीडेंट हुआ। और वो हाँ तैनात है, बच्चे बच्चे की भी मौत हुई है। हाँ, एक बच्चे की मौत हुई है। यू साहब कहाँ तैनात है? ये नगर पंचायत मक्खनपुर में तैनात है। इसमें कुल टोटल कितने लोगों की मौत हुई है? जी टोटल कितने लोगों की मौत हुई है? उसमें दो लोगों की मौत।